पाकिस्तान में फिर गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। बलूचिस्तान में 23 लोगों की हत्या कर दी गई। मारे गए लोग पाकिस्तान के पंजाब के थे। पूरे देश में बवाल मच गया है। वाकया बलूचिस्तान के मुसाखोल जिले का है। पंजाब को बलूचिस्तान को जोड़ने वाले हाईवे पर हमलावरों ने कई बसों, ट्रकों और वैनों को रोक लिया, सभी के पहचान पत्र देखे और फिर एक एक कर गोली मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए सभी लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के थे। हथियारबंद लोगों ने 10 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। हमले के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ बताया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलगाववादी समूह है। BLA बलूचिस्तान की आजादी का जंग लड़ रहा है। BLA ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा हुआ है। BLA के पास हजारों लड़ाके और आधुनिक हथियारों का जखीरा है। BLA का खौफ की वजह से ही पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में कदम रखने से डरती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि जिन लोगों का कत्ल किया गया है वो सादी वर्दी में आम लोग नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजी थे। कहा यह भी जा रहा है कि हमले में 23 नहीं बल्कि 62 लोग मारे गए हैं। यानी ये हमला बागी बलूचों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किया। जाहिर है नुकसान बड़ा है और उससे भी ज्यादा बदनामी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है।